तो गाइस ये वाला सीन देखो क्या खूबसूरत लग रहा है, और वो वाला भी अल्टीमेट, और देखो भाई अल्टीमेट वॉटरफॉल। तो गाइस मैंने तो आपको बताया नहीं कि एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या है नरसिंहनाथ से कपिलधार का, तो यहाँ पे हमने चाबी कर दिया ऑन। हे गाइस दिस इज प्रेम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो गाइस अभी का सीन ऐसा है कि अभी हम लोग जा रहे हैं कपिलधार वाटरफॉल के लिए, और अभी अभी हमने नरसिंहनाथ का मंदिर दर्शन करके आए हैं और वहाँ का खूबसूरत वाटरफॉल भी देख के आए। तो अभी जो है हम लोग चल रहे हैं कपिलधार वाटरफॉल के लिए, तो मैं एग्जैक्ट आपको बताते हुए चलूँगा कि मंदिर से आप कपिलधार तक कैसे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, और यहाँ पे अंदर पे खड़ी हुई है अपनी बाइक। तो ये था हमारा पार्किंग जो कि एकदम मंदिर के गेट के सामने ही है, देख लो। तो इस साइड है मंदिर, तो कपिलधार के लिए हमें इस साइड चलना पड़ेगा। तो और इस साइड थोड़ा सा मार्केट एरिया है, और वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। तो चलिए चलते हैं कपिलधार की तरफ। तो ये पूरा मार्केट एरिया है, देख सकते हो, आपको खिलौने मिलेंगे, फैंसी के शॉप है, होटल वगैरह भी मिल जाएंगे यहाँ पर। तो अगर आप आते हैं ना तो आपको खाने पीने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो मेन जो मंदिर है ना उसे लगभग 200 से 300 मीटर आने के बाद ना यहाँ पे आपको रास्ता मिलेगा, ये देखो। तो यहाँ पे देख सकते हो एक टंकी आएगा, वहीं से आपको लेफ्ट होना है कपिलधार के लिए। तो इस साइड से हमें जो है कपिलधार के लिए चलना है। तो इधर पूरा जो है हमें कच्ची सड़क ही मिलेंगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे पहाड़ की चढ़ाई भी करनी है। यहाँ पे लगी हुई है नाका, जो कि तो मात्र यही रास्ता है जिससे आपको कपिलधार तक जाना है, और कोई भी रास्ता नहीं है। और एक तो जो पैदल वाला रास्ता है ना वो मैंने आपको नरसिंहनाथ वाले वीडियो पे बताया हुआ था, बट कोई नहीं, इस पे भी बता देंगे कहाँ से आप पैदल आ सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूँगा। और लास्ट टाइम भी आए थे ना तो वो जो चेक पोस्ट था वो बंद था। तो देखो कैसे घाटी है भाई, घाटी प्लस कच्ची सड़क देखो। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, एक घंटे का लगभग का टाइम है। तो एक घंटे में जाना भी है और आना भी है, और आपको वाटरफॉल भी दिखाना है कपिलधार का। और एग्जैक्ट मैं आपको बता दूंगा डिस्टेंस कितना है। अभी हमारी गाड़ी चली है वो 120.9 किलोमीटर्स, तो वहाँ पहुँचेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कितना किलोमीटर है कपिलधार नीचे से। तो यहाँ पे तो फोर व्हीलर आना पॉसिबल ही नहीं है ऐसे रास्ते में, और देखो सामने से भी गाड़ी आ रही है। तो ये लोग भी वैसे ही पार करके आए हैं, ये देखो। ओए ओए, इस बार थोड़ा सा मिट्टी डाल दिया है ना, तो और भी रोड थोड़ा सा ख़राब हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस साइड पे खुदाई हुई है, मेरे ख्याल से लैंडस्लाइड वगैरह होते हैं ना उसके लिए यहाँ पे कंक्रीट वंक्रीट करने का कुछ होगा, जिसके कारण देखो किनारे पे खुदाई करके रखे हैं। और इस साइड देखो जैसे ही वो वाला सेक्शन गया इधर का बढ़िया सा आ गया रोड। तो ये रहा वो रास्ता जिससे आप पैदल के थ्रू पे आ सकते हैं मंदिर तरफ से, जहाँ पर पंच पांडव है। और ये देखो यहाँ पर कोई सा तो बिल्डिंग बनी हुई है, मेरे ख्याल से रेस्ट हाउस होगा, नहीं तो गेस्ट हाउस, नहीं तो होटल होगा, कोई सा तो होगा एक, मुझे पता नहीं है। तो अगर पैदल आते हैं तो सबसे पहले आपको पंच पांडव तक आना पड़ेगा। पंच पांडव से आपको राइट में एक रास्ता मिलेगा, तो वहां से आते हैं तो ये वाला रोड मिल जाएगा आपको पैदल के लिए। तो पैदल भी काफ़ी चलनी पड़ेगी अगर पैदल आते हैं तो। तो गाइज अगर कपिलधार के बारे में बात करें तो ये गंधमार्दव पर्वत में है, और सबसे पहले तो आता है आपका भीम मोड़, फिर उसके बाद जो है सप्तधार, फिर एंड में जाके आपका कपिलधार मिलता है। तो एक तरफ जो है इस पहाड़ के आपको नरसिंहनाथ मंदिर मिलेगा, दूसरे तरफ जो है आपको हरिशंकर मंदिर मिलेगा। तो हरिशंकर का भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा हमारे चैनल पर, और नरसिंहनाथ का भी। तो ये जो कपिलधार है ना ये सेकेंड टाइम है मेरा, तो इधर थोड़ा सा खुला खुला जगह मिला, और यहाँ से जो है कपिलधार आसानी से नज़र आती है। इस बार तो नज़र नहीं आ रही है भाई, है देख लिए।
अच्छा वो पॉइंट शायद पीछे चला गया, वो देखो वहाँ है कपिलधार वाला हिस्सा मुझे नज़र आ गया। और ये जो पहाड़ है इसके बारे में तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो पहाड़ है इसकी भी काफ़ी बेहतरीन सी स्टोरी है, कहा जाता है रामायण से जुड़ी हुई है। और जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था, हनुमान जी हिमालय गए थे संजीवनी बूटी लेने, तो जब संजीवनी बूटी लेके वापसी आ रहे थे तो उसी बीच भरत ने हनुमान के ऊपर तीर चला दिया। जब तीर लगा तो हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे कर गए और उसी क्षण संजीवनी पहाड़ का कुछ हिस्सा टूट के जो है यहाँ पे गिरा, जिसको गंधमादक पर्वत के नाम से जानते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पे लगभग 1500 से 3000 ऐसे जड़ी बूटी के पेड़ पौधे मिलते हैं, और फॉरेन से भी साइंटिस्ट आते हैं यहाँ पे रिसर्च करने के लिए। और सच्ची बता रहा हूँ, काफ़ी खूबसूरत जगह है यार, बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप यहाँ आओगे ना ये घाटी वाले सेक्शन में, अलग ही फीलिंग मिलेगी आपको। और देखो नीचे कितना गहरा है भाई, कितना गहरा है, देख लो, खतरनाक, अल्टीमेट भाई। और हर बार आता हूँ ना तो हर बार मुझे कुछ ना कुछ नया लगता है यहाँ पे। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कपिलधारा वाटरफॉल, और यहां से बाइक आगे जाने वाली नहीं है तो यहीं पे हमें अपनी बाइक खड़ी करनी है। तो गाइस फाइनली जो है हम लोग पहुंच चुके हैं कपिलधार वाटरफॉल, और आपको तो आवाज़ से ही समझ में आ रहा होगा कि हम लोग वाटरफॉल के कितने नज़दीक हैं। और यहाँ पे हमने अपनी बाइक खड़ी कर दी है क्योंकि बाइक इससे आगे नहीं आएगी, आप देख सकते हैं मेरे पीछे साइड, तो यहाँ रोड हो जाती है ख़त्म। तो ये है लास्ट पॉइंट बाइक के लिए, तो अब जो है थोड़ा सा ट्रैकिंग करना पड़ेगा हमें कपिलधार वाटरफॉल के लिए। तो गाइज ये है वाटरफॉल एरिया, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और शानदार है, देखो कितनी बड़ी एरिया है। तो यहाँ पे वाटरफॉल तक जाने के लिए आपको एक सीढ़ी भी मिलेगी, देख सकते हो, तो ये सीढ़ी के सहारे आप नीचे तक जा सकते हो, बट जो बेस्ट व्यू पॉइंट है ना उसके लिए हमें ये वाला पत्थर लेके जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं इस साइड से, फिर आपको जो व्यू पॉइंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो वाटरफॉल, तो ये पेड़ की वजह से मेन जो कपिलधारा है ना वो हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमें इस साइड चलना पड़ेगा। तो इस साइड से भी हो रही है देखिए वाटरफॉल। अब फाइनली देख लो गाइस मेन जो वाटरफॉल है ये देखो क्या बेहतरीन है, खूबसूरत, अल्टीमेट। और देखो यहाँ पे छोटे बड़े कितने सारे वाटरफॉल है, एक तो ये वाला हो गया काफ़ी खूबसूरत है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ से भी देखो काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा। इस साइड भी है देखिए काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल है, देखिए यहाँ पे भी देखिए काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल है। गाइस ये वाला सीन देखो क्या खूबसूरत लग रहा है, और वो वाला भी अल्टीमेट, और देखो भाई अल्टीमेट वाटरफॉल, अल्टीमेट अल्टीमेट अल्टीमेट। तो गाइस देख सकते हो हमारे जीजा जी कड़ी मशक्क़त करते हुए व्यू पॉइंट तक आ रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि वो जो नीचे वाला रास्ता है ना उसमें जाके वो नीचे वाला व्यू पॉइंट भी आपको दिखा दूँ, ताकि आपको दोनों से आइडिया लग जाएगा कि कौन से व्यू पॉइंट से अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिलता है। तो गाइज अभी जो है ये वाला व्यू पॉइंट छोड़ के मैं दूसरे वाले, मतलब जो नीचे वाला व्यू पॉइंट बोल रहा था वहाँ पे चल रहा हूँ, और वहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। और यहाँ पे खतरनाक पत्थर है भाई, खतरनाक। और यहाँ आते ही देखो क्या खूबसूरत वाटरफॉल है, ये नीचे वाला तो अल्टीमेट लग रहा है।
मस्त छोटू सा है। और इस साइड भी देखो। तो गाइस फाइनली मैं जो नीचे वाले पॉइंट पे आ गया हूँ, और देखो ये रहा मेन वाटरफॉल, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अरे जी में तो गाइस ये वाला वाटरफॉल देखो जिसको मैंने अभी दिखाया आपको, और इसका पानी का प्रेशर देखो। फिर ये आया यहाँ पे, और यहाँ पे बनती है एक और वाटरफॉल, और ये भी काफ़ी खूबसूरत है। और ये नीचे का नज़ारा देखो, काफ़ी कमाल के लग रहे हैं, अल्टीमेट नज़ारे। तो गाइस ये है सबसे नीचे वाला व्यू पॉइंट। तो मैंने आपको दोनों व्यू पॉइंट दिखा दिया, इसके ऊपर वाला जहाँ पे हमारे जीजा जी खड़े हुए हैं, और ये नीचे वाला। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि कौन सा व्यू पॉइंट ज़्यादा बेटर है। तो गाइस वो रहा मेन वाटरफॉल। तो मेन वाटरफॉल के नज़दीक जाने के लिए यहाँ से एक रास्ता है जो कि आपको मेन वाटरफॉल तक लेके जाएगी। तो गाइस इस बार तो हम लोग मेन वाटरफॉल तक नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, और अभी ऑलमोस्ट जो है 4:30 के आसपास टाइम हो गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 20-25 मिनट का टाइम है, उसके बाद जो है अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ों में जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से जल्दी निकलते हैं, क्योंकि अंधेरा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे जीजा जी और मेरे अलावा कोई भी नहीं है, मतलब हम दोनों अकेले हैं यहाँ पे। तो गाइज मैंने तो आपको बताया नहीं कि एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या है नरसिंहनाथ से कपिलधार का। तो यहाँ पे हमने चाबी कर दिया ऑन, और यहाँ पे रीडिंग आ रहा है 125.1 किलोमीटर। जहाँ से हमने रीडिंग ली थी वहाँ था 120.9 किलोमीटर, और यहाँ आते आते हो गया 125.1 किलोमीटर। अगर नरसिंहनाथ से पकड़े तो 120 पकड़े, और इधर का 5.1। तो अगर बाइक के थ्रू आते हैं तो लगभग आपको 5 किलोमीटर पड़ जाएंगे, और वहीं पैदल आते हैं तो लगभग 4 किलोमीटर पड़ेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर ही शॉर्ट पड़ेगा आपको। तो गाइज ये था कपिलधारा वाटरफॉल। उम्मीद है मैंने आपको अच्छे से दिखाया होगा, जैसे कि आपने वाटरफॉल देखा, काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल है, और सबसे ज़्यादा देखने लायक जो है बरसात के टाइम में आपको मिलता है। और ज़्यादा बरसात होती है ना तो यहाँ तक तो आ ही नहीं पाओगे, तो हल्की फुल्की बारिश होती है तब यहाँ पर देखने लायक नज़ारा रहता है। तो गाइज उम्मीद है मैंने आपको अच्छे से ये जगह दिखाया होगा, मतलब कपिलधार अच्छे से दिखाया होगा। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, किस बात की वेट कर रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।